बस दो तीन वीडियोस को अलग अलग एंगल से शूट करके आप लोग भी ऐसी बाइक रील्स वीडियो को बना सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने सिर्फ दो तीन वीडियोस को अलग अलग एंगल से शूट करा था। वीडियो को शूट करना बहुत ही ज़्यादा इजी था, पर एडिटिंग के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। एंड जिस ऐप को यूज़ करके हम लोग वीडियो को एडिट करेंगे उसका नाम है कैपकट। कैपकट ऐप से वीडियो को एडिट करेंगे, इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों को VPN के साथ कनेक्ट करना होगा, और जब VPN कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग कैपकट एप्लीकेशन को ऑन करना। तो देखो, कैपकट एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करो और यहाँ से आप लोग उन सभी वीडियोज़ को सिलेक्ट करके ऐड कर लो। वीडियोस को ऐड करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ऐड करना होगा म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक के हिसाब से हम लोग वीडियोस को एडिट करेंगे। उसके लिए ऐड ऑडियोलेशन पर टैप करो, एक्सट्रागुलेशन पर टैप करके यहाँ से आप लोग जिस म्यूजिक को यूज़ करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट साउंड ऑनली कर दो। म्यूजिक ऐड करने के बाद इधर से भी आप लोगों को वीडियोज़ के अंदर स्लो मोशन ऐड करना है, एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। तो देखो, सिंपली वीडियोस के ऊपर टैप करना है, उसके बाद स्पीड वोल्यूशन पर टैप करके कार वोल्यूशन पर टैप करना है, फिर यहाँ से गाइस कस्टम वोल्यूशन पर टैप करके आप लोगों को वीडियोस के अंदर स्लो मोशन ऐड करना है। वीडियोस के अंदर स्लो मोशन ऐड करने के बाद यहाँ से म्यूजिक के हिसाब से वीडियो को चेक करो कि कहाँ पर से म्यूजिक के ऊपर बीट है। जिस जगह पर म्यूजिक के ऊपर बीट रहेगा उसके हिसाब से वीडियो को स्प्लिट करो, एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दो। खैर, पहला वीडियो को एडिट करने के बाद सेकंड वीडियोस के ऊपर आप लोगों को फिर से टैप करना है, एंड स्पीड वोल्यूशन पर टैप करके यहाँ से वीडियोस के अंदर फिर से स्लो मोशन ऐड कर लेना है। वीडियोस के अंदर स्लो मोशन ऐड हो जाने के बाद म्यूजिक को चेक करो कि म्यूजिक के ऊपर कहाँ पर से बीट है। लाइक यहाँ पर से आप लोग देख पा रहे हो, इस जगह से एक बीट है। सो बीट के हिसाब से इधर हम लोग वीडियो को स्प्लिट करेंगे, एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। लाइक यहाँ पर से भी ट्रांजेक्शन बन चुका है। सो दोनों वीडियोस के ऊपर एडिट हो जाने के बाद अभी इस वीडियो के ऊपर भी बात करते हैं। ये जो वीडियो है गाइस, इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को चेक करना है कौन सा पार्ट आप लोग वीडियोस के अंदर रखना चाहते हो। स्लो मोशन बाद में ऐड करो, सबसे पहले वीडियो को यहाँ से स्प्लिट करके छोटा करो, क्योंकि वीडियोस का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा है। यहाँ से हम लोग वीडियो को स्प्लिट करेंगे, और पीछे के साइड से भी, यहाँ पर से भी हम लोग वीडियो को स्प्लिट करेंगे, एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। अभी वीडियोज़ के अंदर हम लोग स्लो मोशन करेंगे, ठीक है। तो स्लो मोशन के लिए स्पीड वोल्यूशन पर चले जाना है, एंड कार वोल्यूशन पर टैप करके कस्टम वोल्यूशन पर चले जाना है, फिर यहाँ से वीडियोस के अंदर स्लो मोशन ऐड कर लेना है। स्लो मोशन ऐड हो जाने के बाद अभी वीडियोस को नहीं म्यूजिक को चेक करो कि म्यूजिक के अंदर कहाँ पर से बीट है। बीट के हिसाब से वीडियो को स्प्लिट करो, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दो। अगर आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रही हो तो ध्यान से देखो, वीडियोस के अंदर उस पार्ट को रखना है जिस पार्ट को आप लोग रखना चाहते हो, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करते रहना है, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करने के बाद वीडियोस के अंदर स्लो मोशन ऐड करेंगे, तो स्लो मोशन के ऊपर चले जाना है, एंड वीडियोज़ के अंदर यहाँ पर से स्लो मोशन ऐड कर लेना है। स्लो मोशन के बाद अभी वीडियो को नहीं, अभी म्यूजिक को चेक करना है, म्यूजिक के ऊपर कहाँ पर से बीट है उस जगह से वीडियो को स्प्लिट करना होगा। और अगर पहले से बीट के बराबर वीडियो सेट हो जाए तो स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिकली बीट के हिसाब से सेट हो चुका है। खैर, ये रहा हमारा लास्ट वीडियो। इसके ऊपर भी हम लोग सेम तरीके से जिस पार्ट को रखना चाहेंगे उसको रख देंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। अभी देखो, यहाँ पर से हमारा म्यूजिक एकदम खत्म हो जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से म्यूजिक खत्म हो जा रहा है। इधर से हम लोग म्यूजिक का जो लास्ट ड्यूरेशन है उसके हिसाब से वीडियो को स्प्लिट करेंगे, एंड बाकी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा जो वीडियो है गाइस, यहाँ पर से पूरा का पूरा बन चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रही हो। गाइस, ऐसे ही पूरा वीडियोस को एडिट करने के बाद अभी आप लोगों को यहाँ से वीडियोस के अंदर फ्लो ऐड करना होगा। लाइक ध्यान से देखो, यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को के फ्रेम ऐड करना है, एंड वीडियो के लास्ट में आ जाना है,
एंड यहाँ पर से भी आप लोगों को एक के फ्रेम ऐड करना है, एक के फ्रेम स्टार्टिंग में और एक के फ्रेम लास्ट में ऐड करने के बाद वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेना है, वीडियोस के अंदर एक फ्लो ऐड हो जाएगा जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऐसे ही उसके बाद वाला जो वीडियो है गाइस उसके ऊपर भी आप लोगों को फ्लो ऐड करना होगा, तभी आपका वीडियो देखने में प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से फ्लो ऐड करेंगे। यहाँ पर से वीडियो को जूम करो एंड उसके बाद के फ्रेम ऐड करो, फिर वीडियो के लास्ट में आ जाओ जहाँ पर से म्यूजिक के ऊपर बीट है उस जगह से के फ्रेम ऐड करो, उसके बाद वीडियो को मिनिमाइज करके पहले जैसा रख दो। लाइक यहाँ पर से आप लोग देख पा रही हो फ्लो ऐड हो चुका है। सो अभी जो है गाइस वीडियोस के ऊपर इफेक्ट ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ से म्यूजिक के दौरान वीडियो को सेट करना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर से आप लोगों को इफेक्ट बोलेशन पर चले जाना है एंड यहाँ पर से आप लोगों को स्टार्टिंग में ये वाला इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है रोलिंग फिल्म, उसको यहाँ से वीडियोज़ के अंदर ऐड कर लो। अभी ऐड करने के बाद गाइस ये जो इफेक्ट है उसका ड्यूरेशन आप लोग ट्रांजेक्शन के बराबर सेट करो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट बोलेशन पर चले जाओ और इसका जो फिल्टर है गाइस उसको माइनस करो, बाकी आप लोग देख ही पा रहे हो रिजल्ट। खैर इतना हो जाने के बाद वीडियोस के ऊपर अभी आप लोगों को एनिमेशन ऐड करना होगा, तो वीडियोस के ऊपर टैप करके एनिमेशन बटन पर चले जाओ, यहाँ से कोई से भी एनिमेशन को सिलेक्ट करो और ड्यूरेशन को एडजस्ट करके राइट कर दो सेम टू सेम। उसके बाद वाला जो वीडियो है उसके ऊपर भी आप लोगों को एनिमेशन ऐड करना होगा, उसके लिए एनिमेशन बटन पर चले जाओ, कोई से भी एनिमेशन को सिलेक्ट करो और उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा एडजस्ट करके राइट कर दो, यहाँ पर से भी एनिमेशन लग जाएगा। हर एक वीडियोस के अंदर ऐसे ही एनिमेशन ऐड कर लेने के बाद गाइस आपका जो वीडियो होगा पूरा का पूरा बन जाएगा और हमारा वीडियो भी गाइस एकदम बन चुका है। यहाँ से गाइस और एक इफेक्ट लगाना भूल गया था, वो जो इफेक्ट है गाइस उसका नाम है हेलो ब्लर इफेक्ट, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो इफेक्ट बोलेशन पर चले जाना है, देन हेलो ब्लर इफेक्ट को लगा देना है। हेलो ब्लर इफेक्ट को लगा देने के बाद यहाँ से वीडियोस के हिसाब से एडजस्ट कर लो, आपका वीडियो एकदम पूरा का पूरा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आया तो गाइस प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो गाइस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।